नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है शारदा और आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग की दाल की पकौड़ी। अब देख लेते हैं हमें किस किस सामान की जरूरत होगी। ये मैंने आलू लिए हैं छोटे आकार के, 7-8 आलू हैं। और ये धनिया है जिसे मैंने दरदरा कूट लिया है। ये लाल मिर्च, नमक, एक बड़े आकार का प्याज जिसे बारीक काट लिया है, 2 चम्मच हरा धनिया और 2 हरी मिर्च ली है जिन्हें मैंने मोटी मोटी काट लिया है, और 1 कटोरी मूंग की दाल है। ये मैंने छिलके वाली मूंग की दाल ली है जिसे 4 घंटे पहले भिगो दिया था और इसे धुल लिया है। इसके कुछ छिलके भी देखो दिखाई दे रहे हैं, ये मैंने इसमें छोड़ दिए, इससे और भी हमारे क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे। सबसे पहले मैं ये जो दाल है इसको मिक्सी के जार में पलट लेती हूँ। इसमें हमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है, जो इसमें 1-2 चम्मच पानी है उसी में ये हमें पीसनी है। और ये जो मैंने बारीक काट के 2 हरी मिर्च रखी थी इन्हें मैं इसमें डाल देती हूँ और मैं इन्हें पीस के लाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने दाल पीस ली है, इसमें जो 2 चम्मच पानी था उसी में मैंने ये पीस लिया, इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला। अब इसमें मैं ये जो मैंने आलू लिए हैं इन्हें तोड़ के मोटे मोटे ये डाल दूँगी। थोड़े मोटे ही रखने हैं, बारीक नहीं करने। जो प्याज लिया था एक बड़ा बारीक कटा हुआ, एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर और ये जो धनिया है ये डालना है। इसको डालने से इसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाएगा। एक बार आप जरूर इसे डाल के बना के देखिए कितनी टेस्टी आपकी मूंग की दाल की पकौड़ी बनकर तैयार होंगी। 1/2 चम्मच नमक या स्वाद के अनुसार नमक, कटा हरा धनिया 2 बड़े चम्मच। अब इन सब चीजों को मिक्स कर लेते हैं। हाथ से मिक्स करेंगे हल्के हाथ से, और इसमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर नहीं डालेंगे। ये अच्छी तरह से मिल गई है। अब मैंने गैस पर इधर तेल पहले ही रख दिया था, गैस की फ्लेम मीडियम कर दी है। तेल भी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम थोड़ा सा बैटर डाल के देख लेते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया और अब हम अपनी दाल की पकौड़ियाँ बनाना शुरू करते हैं। इन्हें आप अपनी पसंद के अनुसार थोड़ी सी छोटी या बड़ी बना सकते हैं।
गैस की फ्लेम अब हम अपनी मीडियम ही रखेंगे। जब ये हमारी नीचे से थोड़ी सीख जाएंगी तब हम ये पलट देंगे। देखिए अब हमारी पकौड़ियों का कलर चेंज होने लगा, ये 2 मिनट में बन के तैयार हो जाएंगे। इन्हें उलट पुलट करते रहें जिससे एक तरफ से जलेगा। देखिए वो हमारी पकौड़ियाँ बन करके तैयार हैं। बिल्कुल कितनी बढ़िया गोल्डन कलर आया है, कितनी अच्छी लग रही है। और इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसमें हमने एक नैपकिन बिछा दिया है जिससे कि हमारा तेल एब्जॉर्ब कर ले। इसी तरह हम अपनी सारी पकौड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे।